As a sportsperson I would like to see every Indian healthy and fit. Tobacco harms health and fitness. All forms of tobacco are dangerous and deadly. Please stay away from tobacco. If you want to lead a healthy life, I do, so should you. Let us raise the wall against tobacco. तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव रेखा श्री सान्या मल्होत्रा एंड राणा सनम ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड uh, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र रग, रग, नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिरराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सिन ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनीष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, ए फिल्म्स के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पी भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने अब अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भलाबुरा बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म्स के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानू श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव तो रेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा शुराना ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली आ, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सिन ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज स्कोर म्यूजिक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, ए फिल्म्स के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई पर भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधहियाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई वो हो सन दो अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा। सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बावरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी त्रिवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बया करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने, आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी दिखेगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो हज़ार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शरदुल राणा। सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फ्स के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का, का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव रेखा श्री सान्या मल्होत्रा एंड राणा सने ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एए फिल्म्स के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र रग, रग, नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिरराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सिन ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, ए फिल्म्स के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पी भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने अब अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भलाबुरा बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म्स के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोर्नी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव सुरेखा तो श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सने ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हजार अठारह में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी बी रेटिंग की तो आई पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र और फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भलाबुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड uh, मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र रग, रग, नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिरराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सने ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, ए फिल्म्स के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी त्रिवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेगनेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोर्नी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो हजार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहरुल राणा। सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयां करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तुझको मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने, आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड तो फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी आ, एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो हज़ार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा शरदुलराना ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र है जो रेलवे में टिकट चेकर है जितेंद्र और फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी त्रिवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधहैयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र रग, रग, नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सान्या मल्होत्रा एंड राणा ऑटोग्राफी तो मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बावरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्मस के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम टी पी रेटिंग की तो आई एम डी पी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो हज़ार की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिरराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बावरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फ्स के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो आईएमडीबी एम भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो जो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोर्नी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव रेखा श्री सान्या मल्होत्रा एंड शहीदुलराना राणा ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एए फिल्म्स के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखेगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो अट्ठारह की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूं और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र रग, रग, नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिरराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सिन मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बावरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म्स के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने अब अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भलाबुरा बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकोल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन के थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो हज़ार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा सिने ऑटोग्राफी मूवी की, की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म्स के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अट्ठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोर्नी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे के। जुग जुग तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूं और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानू श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव तो रेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सने ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनीष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हजार अठारह में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत सान्त शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुला कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा सने ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू एंड 18 अक्टूबर सन दो में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं आई रेटिंग की तो आई एम डी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी त्रिवंदा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत सान्त शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग यू जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे इन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई सन दो हज़ार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड शहदुल राणा। सिने मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बावरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए, -ए फिल्म के थ्रू एंड अट्ठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया था उनतीस करोड़ रुपये मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपये का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई एम डी पी रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने, आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तेनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2018 की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊँगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊँगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन दो हज़ार अठारह की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गिर गे, राव सुरेखा श्री सानिया मल्होत्रा एंड राणा सिनेम ऑटोग्राफी मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष्क बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बाबरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उन्तीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो आई एम डी पे भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात दशमलव नौ अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कोशिश कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के, के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली आ, दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र है जो रेलवे में टिकट चेकर है जितेंद्र और फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी त्रिवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफी शांत और शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सबकी लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों कि ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएशन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में आ, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बनके थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सज्जन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल तो तो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन दो की एक और बेहतरीन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बधाई हो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा जैसे कि मूवी के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी एंड मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा एंड आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ वो टॉप टेन बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज डालता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छी मूवी का रिव्यू पता चले और अच्छी मूवी देख करके आप अपना डे एन्जॉय कर पाएँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में बधाई हो सन 2018 की हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है अमित राघवेंद्र शर्मा राघवेंद्र नाथ शर्मा ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है अक्षल अक्षत गिलदेल और शांतानु श्रीवास्तव के थ्रू एंड मूवी की स्टोरी को दिया गया है अक्षत गिलदेल के द्वारा एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विनीत जैन के थ्रू एंड मूवी के uh, विनीत जैन हेमंत भंडारी अरिया सेन अम, अमित रविंद्रनाथ शर्मा एंड सुशील चौधरी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आयुष्मान खुराना नीना गुप्ता गजराज गे, राव सुरेखा श्री सान्या मल्होत्रा एंड राणा ऑटोग्राफी तो मूवी की की गई है सानू के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है आरती बजाज के थ्रू एंड बात करें मूवी के अंदर म्यूज़िक की तो सॉन्ग्स दिए गए हैं तनिष बख्शी के थ्रू एंड रोचक कोहली और जैम एट एंड सनी बाबरा एंड इंद्र बावरा के थ्रू मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं और स्कोर म्यूज, म्यूजिक स्कोर म्यूज़िक दिया गया है अभिषेक अरोरा के थ्रू मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी जंगली पिक्चर्स एंड क्रोम पिक्चर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए ए फिल्म्स के थ्रू एंड अठारह अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह में मूवी को रिलीज़ किया गया था हिंदी भाषा में मूवी को भारत में रिलीज किया गया था उनतीस करोड़ रुपए मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपर हिट रही और दो सौ इक्कीस दशमलव चार चार करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो आई पर भी मूवी ने अच्छी छाप छोड़ी है और दस में से सात अंक प्राप्त किए हैं मूवी ने और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की क्या स्टोरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है ये फिल्म आपको कौशिक की मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है जो दिल्ली के के एक स्टेट में है सॉरी दिल्ली दिल्ली में सेटल है घर के मुखिया जितेंद्र हैं जो रेलवे में टिकट चेकर हैं जितेंद्र फिजूल खर्चे पे विश्वास नहीं करते वे अपनी पत्नी प्रियवंदा से बहुत प्यार करते हैं और वे काफ़ी शांत शांति से काम लेते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ उन्हें भुलाकर कर सुनाती रहती है मतलब भला बुरा सुनाती रहती है कौशिक के दो बेटे हैं नुकुल और छोटा बेटा गुल्लर इन सब की लाइफ में एक अजीब परिस्थिति तब आ जाती है जब दो बेटों के ये माता पिता गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज़ है नुकुल अपने मन की ऐसी हालत गर्लफ्रेंड रिनी के सामने मेकआउट के वक्त बयान करता है दूसरी तरफ गुल्लर की भी छोटे मेहमान के आने से खुश नहीं है इसी बीच दाती इसी बात से परेशान है कि टाइम कहाँ से मिल गया तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं इसके बाद फैमिली में शुरू होता है टिपिकल लोग क्या कहेंगे ड्रामा और इस अजीब गरीब सिचुएसन से नुकुल और रिनी के रिलेशन पर बहुत असर पड़ता है तो देखना आपको दोस्तों ये है कि मूवी में Uh, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल पाते हैं क्या वो आने वाले नन्हे मेहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो ये सब चीज़ें देखने के लायक है मूवी के अंदर और अच्छा आपको मतलब मूवी के अंदर डायलॉग्स और कॉमेडी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के मिलेंगे जैसे कि पहला सॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बधाइयाँ तैनू दूसरा सॉन्ग होगा मोरनी बन थर्ड सॉन्ग होगा नैनाना एंड फोर्थ सॉन्ग होगा सजन बड़े सेंटी एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा जुग जुग जीवे टोटल टो ये पांच सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा